हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी की तरफ से जो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकले हुए हैं। तो इसमें योग्यता की बात करें तो आप लोग 12वीं पास हैं और टाइपिंग का स्किल है, तो आप लोग इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। तो चलिए आज आप लोग को बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेट दिया हुआ है कब से कब तक आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिहार एसएससी के पोर्टल पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15/5/2023 तक, 23 से आप लोग ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है। तो बता दें दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है तो वो तो स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट है 13/6/2023 तक आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा रजिस्ट्रेशन पे, तो एक नया विंडो ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन नेम, यहाँ पे नाम आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करना है, मेल है या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे बिहार राज्य का निवासी है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कीजिएगा। और यहाँ पे कैटेगरी दिए हुए हैं, आप ओबीसी, ईबीसी या बीसी में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ से चेकबॉक्स में चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित रखते हैं, तो यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप क्रीम लेयर रहित से संबंधित रखते हैं, अगर आप रखते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला क्या आप दिव्यांग वाले व्यक्ति हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांग हैं, आप कितने प्रतिशत दिव्यांग है, यहाँ पे बोल रहा है अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे कितने प्रतिशत है, तो यस या नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ बोला कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पे आप सैनिक थे तो यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए नीचे बोल रहा है क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, तो यस या नो कीजिएगा, अगर आप थे एक्स सर्विस मैन तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि आप बिहार एसएससी में रेगुलर बेस पे जॉब किए हैं, अगर किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि बिहार एसएससी की फॉर्म आप लोग कितने बार भर चुके हैं, आप जितने बार भर चुके हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो जीरो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है, आपके पास है तो यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे मेल देना है और फिर इसको कंफर्म करना है मेल को। फिर नीचे यहाँ पे कैलेंडर से आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, उसके बाद फिर नीचे नेक्स्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा फिर एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ से दोस्तों फिर आप लोगों को मिला लेना है, अगर यहाँ से कोई भी गलती होगा तो यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को मिलाने के बाद अगर सही है तो आप लोगों को यहाँ से कन्फर्म सबमिट कर देना है। जैसे ही कीजिएगा फिर एक नया विंडो ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे हो चुका है, तो आप लोगों को फिर लॉगिन करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसमें कुछ डिटेल्स पहले से भरे हुए रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम फिल कर लेना है, उसके बाद देखिए जेंडर यहाँ पे पहले से फिल है और बिहार राज्य के निवासी है ये भी पहले से फिल है। यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र में आप लोगों को जिस डेट में जारी हुआ होगा उस डेट को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद वहाँ निवास प्रमाण पत्र में एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जाता है आपका जो है निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसके अनुसार इसमें आप लोग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग के दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्रिमिनल रहित में यस किए होंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग का क्रीम लेयर सर्टिफिकेट पे जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिल करना होगा जिस डेट में आप लोगों का एनसीएल जारी किया गया होगा उस डेट को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों का इसमें किसके द्वारा जारी किया गया है वो भी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिटेल भरा हुआ है और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को एक आईडी प्रूफ में कोई सा आधार कार्ड या कोई सा पैन कार्ड या कुछ भी आप लोग चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर जो होगा आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कोई कटा फटा होगा तो यहाँ पे आप लोगों को दे देना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यूपीएससी राज आयोग के ही प्रतिबंध किया गया है, अगर किया गया होगा तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं,
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का एड्रेस चूज करना है, जैसे विलेज, फिर कोमा दे देना है, पुलिस स्टेशन, फिर कोमा दे देना है, पोस्ट कोमा दे देना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज फिल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन आप लोगों का जहाँ होगा वो यहाँ पे फिल कर लेना है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस जहाँ पे होगा यहाँ पे फिल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते होंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते होंगे, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आप लोगों का दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा तो दोनों में सेम सेम आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। दोस्तों इस तरह का प्रीव्यू वाले ऑप्शन खुल के आएंगे, उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने फिर एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ से पहले आप लोगों को चूज कर लेना है पेमेंट भुगतान किस बैंक से कीजिएगा, तो SBI चूज कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को कार्ड नंबर डायल कर लेना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट चूज कर लेना है, यहाँ पे CVV नंबर देना है, यहाँ पे ईयर चूज कर लेना है, यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा आपका पेमेंट हो जाएगा।